जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुजज्जहां। मानसून आते ही नालंदा जिले से गुजरने वाली सकरी नदी में बाढ़ के पानी आने से गिरियक प्रखंड के रूपसपुर गांव में लगे सैकड़ों एकड़ मूंग, सब्जी, बादाम की फसल डूब गई। इस संबंध में स्थानीय किसान संतोष कुमार ने बताया कि मानसून की पानी आते ही बरसाती नदियों में अचानक तेज पानी आया और देखते ही देखते खेतों में लगे सैकड़ों एकड़ मूंग की फसल में पानी प्रवेश कर गया, जिससे फसल डूब गया। सब्जी के अलावा मूंग बादाम की फसल में पानी प्रवेश कर जाने से किसानों को काफी क्षति पहुंची है और फसल भी बर्बाद हो गया। हालांकि किसानों ने बाढ़ की पानी आने से खुशी भी जताई है और कहा कि बाढ़ की पानी से जलतल में तेजी आने से धान फसल सही ढंग से हो पाएगा। इस पानी से खटा है कि पानी आ गया है सीजन से पहले। ये इसमें 3-8-9 बीघा मूंग है, यह दह गया, भस गया कुल है, पानी आने से बर्बाद हो गया सकरी नदी। फसल अभी पकी हुई है क्या, कटी है कि नहीं अभी फसल? नहीं, पकी हुई है, आधा अभी टूटबो नहीं किया, अभी पानी आ गया है, सब खत्म हो गया है, मूंग पका लिया। देखिए कितना कितना पानी अभी आया हुआ है। भर पानी तो यहाँ खन्हा जितना है ने रूपसपुर टोला में दह गया है, साइड में घर के साइड बलग में जितना अनाज है मूंग बादाम सब दह गया है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। आप कौन है, किसान है? हाँ। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।